नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक वेरिकोसील पेशेंट हैं और आप जानना चाहते हैं ऐसे कौन से योगासन हैं जिससे आप अपने वेरिकोसील में आराम पा सकते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। क्योंकि अगर हम आसनों की बात करते हैं तो सबसे पहला आसन होता है कोबरा पोज, जिसको आप कहते हो, यानी भुजंग आसन। इसके साथ ही दूसरे अगर हम आसन की बात करें तो उसका नाम है विपरीत करणी आसन, यानी लेग्स अप वॉल पोज, जिसमें आप दीवार के साथ अपनी टांगों को सीधा करके 90 डिग्री के एंगल पर अपने शरीर को बनाकर ये पोज करते हैं। मैं इन सब के बारे में भी डिटेल से भी आपको बताऊंगा, पहले मैं शुरुआत में आपको नाम बता रहा हूं। मैंने दो आपको आसन बताए, तीसरे आसन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है सेतुबंध आसन, यानी ब्रिज पोज। इसके अलावा दो आसन और हैं जिससे आपके वेरिकोसील में काफ़ी आराम आपको देखने को मिलेगा अगर आप इन्हें रेगुलरली करते हैं। तो इस सीरीज में चौथा आसन है बंद कोशन आसन, यानी जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई पोज। और इन सब के करने के बाद अगर आप लास्ट एक आसन करते हैं जिसको हम कहते हैं शव आसन, तो आपको अपने वेरिकोसील की समस्या में काफी आराम देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर बात आती है कि इन आसनों से हमें आराम कैसे मिलेगा, तो आप एक बार फिर दोबारा देखिए, जितने आसन मैंने आपको बताए इन सब में एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि ये सब आपके पेल्विक एरिया के हिस्से में ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। पेल्विक एरिया के हिस्से में ज़्यादा इफेक्ट आने की वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर होगा, और ब्लड फ्लो बेहतर होने की वजह से आपकी जो वेरिकोसील की समस्या है, जो पेन है, जो डिस्कम्फर्ट है, उसमें आपको रिलैक्स देखने को मिलेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम क्या है, ब्लड का प्रॉपर फ्लो ना हो पाने की वजह से ब्लड नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी वेन्स होती हैं वो स्वेल्ड हो जाती हैं और आपके जो टेस्टिकल्स के फंक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। तो इन सभी समस्याओं को अगर हमें ठीक करना है तो हमें कौन से आसन करने पड़ेंगे जो हमारा ब्लड फ्लो इम्प्रूव करें, पहली चीज़। दूसरा, कहाँ का ब्लड फ्लो इम्प्रूव करें, आपके पेल्विक एरिया का। तो जो भी मैंने आपको ये पाँच आसन बताए, जिसमें आपने कोबरा पोज के बारे में सबसे पहले सुना, उसके बाद आपने लेग्स अप वॉल पोज के बारे में सुना, ये दो पोज आपको सबसे पहले सबसे अच्छा रिलैक्स देंगे। क्योंकि जैसे ही आप कोबरा पोज करते हो, यानी आप अपने भुजंग आसन को करते हो, तो वहां पर जब आप सांस लेके ऊपर की ओर उठते हो और उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाते हो, तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि हमारा जो पेट और पेट से थोड़ा सा नीचे का हिस्सा है, उसमें स्ट्रेच काफ़ी अच्छा आता है। स्ट्रेच आने की वजह से वहाँ पर जो आपका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उसमें आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के बाद जैसे ही आप करते हैं विपरीत कोण आसन, तो इसमें क्या है, हम दीवार के साथ लेट जाते हैं, अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट दीवार के साथ लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो आपका नहीं हो पा रहा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू होता है, यानी हार्ट की तरफ आना शुरू होता है, और जो आपका पेन आपको परेशान कर रहा था, जो टेस्टिकल्स में आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा था, वहाँ पर ब्लड फ्लो प्रॉपर होने की वजह से आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है, आपको काफ़ी आराम मिलता है। और इसी के बाद अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाई पोज की, तो दोनों पैरों को जब हम साथ जोड़ के ये पोज करते हैं तो ज़्यादातर लोग इसमें कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर कहते हैं कि इस पोज से कुछ खास फ़र्क तो होता नहीं है, हमें तो कुछ इफेक्ट देखने को मिलता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका जो बटरफ्लाई पोज है उसके बेस्ट इफेक्ट आपको देखने को मिले। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें बैठ जाना है, दोनों पैरों को साथ जोड़ लेना है, आप यहाँ पे साथ में देख सकते हैं इमेज चल रही है। लेकिन जब आप ये आसन करते हैं तो लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि उनके जो शोल्डर हैं वो झुके हुए होते हैं, तो आपको अपने झुके हुए शोल्डर से ये एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको अपने शोल्डर को स्ट्रेट रखना है, कमर को खिंचा हुआ स्ट्रेट रखना है। दूसरी चीज, जब आप अपने पैरों को दोनों पंजों को पकड़ते हैं तो दोनों पंजों को आपके हाथ जमीन से टच नहीं होंगे, उसको आपको थोड़ा सा अप करना है, मतलब अपने पेट की तरफ उसे थोड़ा सा खींचना है,
अब जैसे ही आपकी छाती टाइट होगी, कमर खिंची हुई होगी, शोल्डर स्ट्रेट होंगे और आप अपने पैर पंजे को हल्का सा उठाएंगे, उसके बाद जब भी आप अपना आसन करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका पेल्विक एरिया है उसके अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट और इफेक्ट आपको पहले ही बार से महसूस हो जाएगा। इसी के साथ साथ वहाँ का जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, तो उस जॉइंट को ओपनिंग में इस आसन से बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन इन सब के बाद जब आप करते हैं शवासन तो उसका क्या फ़ायदा है? जब हम शवासन करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी रिलैक्स मोड पर चली जाती है। रिलैक्स मोड पर जाने के बाद जो आपने आसन किए थे उससे बॉडी में जो हीट जनरेट हुई, जो ब्लड फ्लो हुआ, जब आप शांत लेटते हैं तो वो ब्लड फ्लो बहुत ही स्मूथ तरीके से आपके बॉडी में हो रहा होता है और ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली रिलैक्स आपको शवासन से देखने को मिलेगा। तो आप इन 5 आसनों की सीक्वेंस को एक बार देखें, हर रोज इन्हें 5-10 मिनट से शुरुआत करें और किसी भी आसन पर ज़्यादा जोर ना दें अगर वो नहीं हो रहा, उसे धीरे धीरे आप रेगुलर हैबिट में लेके आएं। आप देखेंगे 15-20 दिनों में आप वो आसन प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें कि हर आसन को जब हम करते हैं तो शुरुआत में आपको सांस भरनी है, उसके बाद वो आसन करना है। इस सीक्वेंस को अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए आप प्रॉपर तरीके से रेगुलरली करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो वेरिकोसील की प्रॉब्लम है उसमें आपको काफ़ी रिलैक्स देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपके जो ग्रेड्स हैं उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम है वो समय रहते ठीक नहीं हो रही है बल्कि उसके ग्रेड्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक सही ट्रीटमेंट लेने की बहुत सख्त आवश्यकता है, जिसके लिए मैं आपको सीरियसली रिकमेंड करूंगा भारत होम्योपैथी का ट्रीटमेंट। रीजन के साथ बताता हूं क्यों। आप ट्रीटमेंट कहीं से भी ले सकते हैं बट भारत होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट के अकॉर्डिंग दवा को कस्टमाइज करते हैं, जिसकी वजह से न केवल आपका वेरिकोसील ठीक होता है बल्कि जड़ से ख़त्म हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, आप वीडियोस देखिए, उन वीडियोस में हमने पेशेंट्स की रिपोर्ट शेयर की है बिफोर और आफ्टर की। किसी किसी को रिजल्ट 3 महीने में मिल जाता है, 2 महीने में मिल जाता है, किसी को 4 या 5 महीने में मिलता है, लेकिन रिजल्ट फॉर श्योर मिलता है। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, विश्वास करना है और एक सही ट्रीटमेंट को चुनना है, क्योंकि एलोपैथिक में इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। तो क्या आप अपनी बॉडी में चीरफाड़ करवाना चाहते हैं, आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, या आप बिना किसी चीरफाड़ के अपनी इस समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं? Choice is yours because life is yours. ये चुनाव आपका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अभी के अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए और अपनी इस समस्या को जड़ से खत्म करिए। तो इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।